नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो विवाद चल रहा था, अब दोस्तों वो जो है दोस्तों बात बहुत ही आगे बढ़ गई है। रूस ने दोस्तों फैसला किया है कि उसके जो दो प्रांत हैं जहाँ पे विरोध हो रहा था, जहाँ पर अलगाववादी जो है कुछ मांगे कर रहे थे, तो उनका जो है समर्थन करने का फैसला किया है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, रूस ने उन दो प्रांतों को दो देशों की मान्यता भी दे दी है। आइए दोस्तों देखते हैं वो कौन से दो प्रांत हैं जिनको रूस ने यूक्रेन से अलग हो देश की मान्यता जो है दी है। साथ में दोस्तों ये पहला मौका नहीं है जब रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद हो रहा है। रूस ने दोस्तों पहले भी यूक्रेन के एक जो प्रांत है उसको कब्जा लिया था और अभी वो रूस के कब्जे में ही है। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों हम आए दिनों देखते हैं सोशल मीडिया में रूस और यूक्रेन के बारे में चलता रहता है। लेकिन दोस्तों रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब वो जो जिन प्रांतों में विरोध हो रहा है यूक्रेन का, यूक्रेन के प्रांतों में, उन दोनों प्रांतों को दोस्तों रूस ने देश की मान्यता दी है, दो अलग-अलग देश। दोस्तों वो दो प्रांत हैं मैं आपको बता दूं, एक तो है दोस्तों डोनेत्स्क है और दूसरा दोस्तों जो है लुहानसक है। तो ये दो प्रांत हैं जहां पर जिन दो प्रांतों को रूस ने जो है यूक्रेन से अलग जो है मान्यता दी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2014 में भी ऐसा हुआ था जब रूस ने यूक्रेन के जो जो क्रीमिया प्रांत था उस पर जो है कब्जा कर लिया था, और अभी तक जो है वो यूक्रेन का जो क्रीमिया प्रांत है रूस के ही कब्जे में है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया है दो प्रांत हैं, एक दोस्तों डोनेत्स्क और दूसरा दोस्तों लुहानसक। बताया जाता है कि यहाँ पर जो आबादी है वो रशियन मूल की है और रूस समर्थक भी बताई जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।